नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीडीपी इन्वेस्टमेंट में। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं वक्रांगी लिमिटेड के ऊपर, जहां पे दोस्तों जबरदस्त सेटअप बन रहा है। अगर इस लेवल को तोड़ दिया तो स्टॉक में जबरदस्त तेजी बनने की संभावना है। क्यों है इस लेवल का इंपॉर्टेंस, उसके ऊपर हम बात करेंगे। आज का अगर डे देखे तो दोस्तों जबरदस्त तेजी बनाई है स्टॉक ने, 11.03% की तेजी बनाई हुई है। इसके पीछे का रीजन क्या है, तो इसके पीछे का रीजन बहुत ही सिंपल सा है दोस्तों, कि RBI जो है वो फैसला लेने वाली है NBFC लाइसेंस के लिए, तो वहाँ पे वक्रांगी भी कैंडिडेट है। और इसका जो कंपनी जो बाकी जो कंपनियों के साथ कारोबार करती है, तो आप देखेंगे बहुत सारी कंपनियों के साथ कारोबार करती है, जिसमें नाम है अमेजोन है, रिलायंस है, जियो है, HDFC है, बजाज फाइनेंस है, तो यानी कि बड़ी बड़ी कंपनी के साथ कारोबार चल रहा है। तो अगर इस स्टॉक ये कंपनी को अगर NBFC का लाइसेंस मिलता है, तो बहुत ज़्यादा दोस्तों मोमेंटम अपसाइड होने की संभावना है दोस्तों। अब यहाँ पे हम डेली चार्ट के ऊपर आ रहे हैं, और चार्ट क्या सजेस्ट कर रहा है उसके ऊपर भी देखते हैं दोस्तों। तो ये हमारा पहले तो ट्रेंड लाइन के ऊपर नज़र डालते हैं, तो 9 अप्रैल 2021 का जो ट्रेंड लाइन है उसको टच किया है दोस्तों हमने, 30 दिसंबर 2021 का ट्रेंड लाइन, और उसी को ही टच कर रहा है, और आज वहीं से टच होके वापस आ गया दोस्तों स्टॉक। अब यहाँ पे दोस्तों दो अलग तरीके से आपको समझना चाहिए इस स्टॉक के लेवल को। तो एक तो पहला हुआ कि ट्रेंड लाइन्स की वजह से नीचे आया, दूसरा जो हमारे पास है कि ये जो लेवल है हमारा, जो लाइन आपको दिख रही है वो 200 डेज मूविंग एवरेज है, उसी को दोस्तों क्लोज उसके ऊपर क्लोज नहीं कर पाए, उसको तोड़ दिया बट क्लोजिंग नहीं आया डेली चार्ट के ऊपर। आज वॉल्यूम आया हुआ है, तो कल का डे नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर इस लेवल को तोड़ता है तो और तेज़ी बनेगी, उसके पीछे के रीज़न है दोस्तों। यहाँ पे रीज़न में क्या है तो मैं आपको बता दूँ, वीकली चार्ट के ऊपर आपको लेवल दिख रहा है, तो यहाँ पे मंथली चार्ट का हमने लेवल निकाला है स्विंग लो से स्विंग हाई का, और जहाँ पे 61.8% का रिट्रेसमेंट है, 37.28 का रिट्रेसमेंट। आप देखो जब लास्ट टाइम नीचे से ऐसे दो तीन वीक कैंडल स्ट्रेट रहा था, जैसा ये वीक रहा है, और उसके बाद स्टॉक में अपवर्ड मूवमेंट आई, तो फिर स्टॉक कहाँ गया था, 43.50 का हाई बनाया था। ऐसा ही प्रीवियस बार हुआ था, दो तीन वीक कंसोलिडेट किया, उसके बाद जो लेवल तोड़ा उसके बाद स्टॉक में जबरदस्त तेजी बनी थी, और इस बार भी ऐसा ही हुआ है। इवन ज़्यादा दोस्तों बेस जबरदस्त बनाया स्टॉक ने यहाँ पे 34-30 के लेवल के आसपास, और जैसे इस लेवल को दोस्तों तोड़ा लास्ट वीक में, इसके बाद कंसोलिडेशन बनाया, यानी कि ये लेवल को तोड़ा था, अच्छे वॉल्यूम भी थे, बट यहाँ पे उसने बड़ा कैंडल बनाया था तो वेट भी किया। और डेली चार्ट के ऊपर आप देखोगे कि जैसे तोड़ा था, फिर 20 डे के मूविंग एवरेज से काफ़ी हाई था, बट अब नज़दीक आ चुका है, और अब इसने स्टॉक में अपवर्ड मूवमेंट निकाली है, और 37.28 का जो लेवल है उसको दो बार पॉजिटिव क्लोज दिया है, और आज तो जबरदस्त वॉल्यूम के साथ है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर नेक्स्ट डे ये जो लेवल है हमारा 39 के आसपास का जो हैंडल बन रहा है, ये हाई है 39.20 का, उसके ऊपर अगर पॉजिटिव भागना स्टार्ट कर लेता है, तो ये स्टॉक 43 तक शॉर्ट टर्म में जाने की संभावना रखता है। हर बार दोस्तों 43 टच हुआ ही है, जब भी स्टॉक ने अपवर्ड मूवमेंट यहाँ से निकाला है, तो आपको 43 से ज़्यादा दोस्तों टारगेट मिला है दोस्तों। और अगर NBFC का न्यूज़ के ऊपर RBI अगर कुछ फैसला ले लेती है NBFC के ऊपर, तो फिर और ज़्यादा तेज़ी बन सकती है, तो बहुत ही अहम लेवल के ऊपर कारोबार कर रहा है, तो आप ये स्टॉक को वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ये वीडियो मैंने एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बनाया, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेके आप इसमें ट्रेड एंड इन्वेस्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।